हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज हम फिर से लेकर आए LG का रेफ्रिजरेटर, जो कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी में और बहुत ही अच्छे फीचर के साथ में यहाँ पर मिल रहा है हमें। यह है सिंगल डोर। आपने डबल डोर में बहुत सारे फीचर वाले देखे होंगे, लेकिन आज हम करने वाले सिंगल डोर, जिसका मॉडल नंबर है GLD211CBQY और ये 2022 में लॉन्च हुआ था एंड में, और फिलहाल 2023 का ये अच्छा वाला मॉडल रहेगा। इसकी पूरी डिटेल में बात करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ, आप देख रहे हैं घर का टैक XYZ और मैं आशीष आर्या। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जल्दी से। दोस्तों, अभी तक हम सिंगल डोर में डिस्प्ले वाला फ्रिज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था LG के साथ में। अदर कंपनियाँ बनाती होंगी, लेकिन फिलहाल LG में ही देखने को नहीं मिलता। जैसे कि हमारे बराबर में एक और रखा हुआ है सिंगल डोर, जिसमें कि कोई भी डिस्प्ले बाहर से नहीं है। इसमें देखिए डिस्प्ले सामने आपको दिख रही है, जबकि सामने नहीं है कोई डिस्प्ले। और अगर इसकी बात करते हैं हम फ्रिज की, तो इस तरीके से कुछ इसकी 10 ईयर वारंटी के साथ में कंप्रेसर में मिल जाता है स्मार्ट इन्वर्टर, यानी कि इन्वर्टर कंप्रेसर आपको मिल जाता है साथ में। और जो है 3-स्टार रेटिंग और 4-स्टार रेटिंग में, फिलहाल हमारे पास 4-स्टार रेटिंग में अवेलेबल है अभी, जो कि मॉडल हमने आपको बताया था D211CBQY, यानी 211CBQY, इस नाम से आपको मिल जाएगा। 197 लीटर में यह आता है। इसकी नेट क्वान्टिटी जो है, नेट कैपेसिटी है 197 लीटर है। और इस तरीके से LG की यहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा ब्रांडिंग के साथ में। एक हैंडल इसका, जो कि डोर को ओपन करने के लिए आपको मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन, जिसे मैं कहूँगा स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में है। और इसकी बात करते हैं बाहर से, जो टच यहाँ पर दे रखी है पूरी, कुछ इसमें किट वाले बटन 3 और 4 तक मुझे लग रहे हैं, इसमें लग क्या रहे हैं। और इसमें जो है आपको ये 3 बटन यहाँ पर दे रखे हैं, इस तरीके से टच यहाँ पर दे रखी है, जिसमें कि हम पूरी डिटेल में जानते हैं। विंटर में आप जो है विंटर वाले पे क्लिक करके लो कूलिंग ले सकते हैं, मानसून में आप जो है क्लिक कर मानसून वाली कूलिंग ले सकते हैं, यानी कि बिल्कुल लो भी नहीं होगी और बिल्कुल हाई भी नहीं होगी, बीच वाली ले सकते हैं। और समर वाले पे आप हाई कूलिंग ले सकते हैं क्लिक करने के बाद। यहाँ पर अगर बात करें फ्रिज एक्सप्रेस कूल, तो यहाँ पर जो है बहुत ही फास्ट और कूलिंग मिलने वाली है। डिफ्रॉस्ट आपको करना है, ज़्यादा आइस जम गई तो डिफ्रॉस्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं टच करने के बाद। और बात करें अगर फ्रिज के पूरे टच पैनल को आपको लॉक करना है, तो इसे लॉक आप कर सकते हैं। स्मार्ट कनेक्टिंग भी इसमें दी हुई है आपको, जैसे कि हम सब कुछ बता रहे हैं आपको। स्मार्ट कनेक्टिंग यानी LG ThinkQ के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। होल्ड 3 सेकंड, ये इसके फीचर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और बात कर लेते हैं अब ओवरऑल फ्रिज के बारे में, तो इस तरीके से जो हैंडल हमने बताया, इससे हम इसे ओपन कर लेंगे, पूरे फ्रिज को खुल जाता है, बहुत ही आसान मिल जाता है हमें इसे खोलने में। ज़्यादा ज़ोर से ना खोले, हैंडल टूट भी सकता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें। क्वालिटी में हमने टेस्ट नहीं किया है, इसलिए जो है आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल लुक वाइज अंदर से देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन देखने मिल रहा है। जैसे कि हर फ्रिज में आपको एक डोर मिल जाता है फ्रीजर कंपार्टमेंट के लिए, जैसे हमने फ्रीजर को खोला, अंदर जो है अच्छा सा एक लुक देखने को मिला, जैसे कि नॉर्मली फ्रिज हम और देखते हैं LG के साथ में, तो उससे काफ़ी बेहतरीन फ्रिज हमें देखने को मिल रहा है अंदर से। देखिए इस तरीके से आपको थर्मोस्टेट यहाँ पर मिलता था, जो कि आप बटन वगैरह घुमा सकते थे। अदर मॉडल की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, नीचे एक लैंप का वो मिल जाता था, इस तरीके से बटन को आप घुमा सकते थे। फिलहाल इस बटन को यहाँ से हाइड कर दिया है, यहाँ से हटा दिया गया है, और इसकी जगह सीधे जो है आपको टच पैनल वाला दे दिया गया है। ये मैं अदर मॉडल का दिखा रहा हूँ, दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर ये अदर मॉडल है, और जो हमारे पास करंट मॉडल वही है। देखिए यहाँ पर है ही नहीं है बिल्कुल। चिलर ट्रे की बात करें, चिलर ट्रे काफ़ी अच्छे लुक में यहाँ पर, और काफ़ी हैवी भी यहाँ पर लग रही है पहले से, तो इस फ्रिज को देख के ना एसेसरीज के मामले में काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और हाई लोडेड चीज़ें दे रखी हैं, क्योंकि कूलिंग जोन यानी यहाँ पर आप बटर वगैरह, चॉकलेट वगैरह या अपनी जैम वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं, और दूध से रिलेटेड कोई चीज़ हो वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। कैरी हैवी लोडेड सेल्फ यहाँ पर दे रही है, 175 ग्राम तक का ये लोड सह सकती है, काफ़ी हैवी। मैंने जैसे कि बताया कि एसेसरी बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, टफन ग्लास में ये दे रखा है, और इन्होंने यहाँ पर दावा करा 175 किलो तक ये सह सकती हैं। तो 1, 2, 3 सेल्फ यहाँ पर दे रही हैं, जो कि एक बेच बॉक्स से अटैच है आपके, जिसका ढक्कन का भी काम कर रही है उसे ढकने का, और जो है प्लस आपको सामान रखने की भी यहाँ पर फैसिलिटी मिल रही है। काफ़ी अच्छा स्पेस फ्रिज में को मिल रहा है हमें। फिलहाल इस टेप को हम हटा लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं अंदर का थोड़ा सा कि कैसा यहाँ पर देखने को मिल रही है। बेच बॉक्स काफ़ी अच्छे अंदर ट्रांसपेरेंट में दे रखा है, बहुत ही बेहतरीन मेरे को लग रहा है। स्पेस भी अच्छा खासा दे रखा है यहाँ पर अंदर की साइड में भी, और मैनुअल लुक भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाहर से लगा रखा है स्टिकर बेहतरीन वाला फिर से, और मॉइस्चर कंट्रोल का यहाँ पर दावा किया हुआ है कि अंदर जो है फ्रेशनेस रहेगी, मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, संडे से जो है सब्जी को बचाता है। इसे दे रखिए ट्रॉली, जिस पर स्टैंड रखने का फ्रिज जो दे रखा है आपको, उसके अंदर एक खींचने का जो है ड्रॉ टाइप का आपको दे रखा है, जिसके अंदर आलू वगैरह आप रख सकते हैं। जिन सब्जियों को जो है ठंड की ज़रूरत नहीं हो, वो चीज़ें आप यहाँ पर नीचे रख सकते थे। और यहाँ पर सेल्फें दे रखी हैं ऊपर भी, 1, 2, 3 छोटी छोटी, 1, 2 बड़ी सेल्फें यहाँ पर दे रखी हैं, जिसमें कि आप बोतल वगैरह रख सकते हैं, ऊपर छोटे मोटे आइटम रख सकते हैं। अंडे के लिए भी ट्रे यहाँ पर दे रखी है आपकी, और बंद करके देखें बाहर से तो जो है ब्लू कलर में फ्रिज दिख रहा है। और इसका दूसरा कलर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सिल्वर कलर में है और ग्रे टाइप में है थोड़ा सा, और ये भी काफ़ी अच्छा कलर है, ब्लू और सिल्वर, ये 2 कलर इसके आते हैं। प्राइस की बात अगर करें तो 18 से 20 हज़ार के लगभग आपको मिल जाना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।